2024 में भी दिखेगी मोदी लहर? जानिए इस सवाल पर क्या बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कई खुलासे किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से जब देश के मिजाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर सबसे ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि लहर के सामने संघर्ष के लिए कोई नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अभी तक अपना नेता ही तय नहीं कर पाए हैं। इंडिया गठबंधन ने खोया मानसिक संतुलन, मेरी कब्र खोदने की कर रहे बात, कोडरमा में बोले पीएम मोदी। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोडरमा में इंडिया गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। जो मोदी की कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं वे यहां आए और यह नज़ारा देखे। पीएम मोदी ने कहा कि गोली मारने वालों यही मेरा सुरक्षा कवच है। धनंजय सिंह का बड़ा ऐलान, जाने सपा या बीजेपी किसे करेंगे समर्थन। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को राहत मिलती नजर आ रही है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। करीब घंटे भर चली बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। एएमयू की जामा मस्जिद पर इस्तेमाल किया गया है एक खास पत्थर, ताजमहल के कारीगर ने बनाया था इसे। अलीगढ़ में मौजूद धरोहर इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यह पुरानी इमारत के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। ऐसी ही एक कहानी अलीगढ़ के एएमयू जामा मस्जिद की है। एएमयू की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जो कि एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद ने बनवाई थी। इस मस्जिद का मकसद एएमयू में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नमाज की व्यवस्था करना था। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले विपक्ष आईसीयू में है, वोट देकर इन्हें ऑक्सीजन मत दीजिए। बस्ती जनपद के शिवपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्षियों पर जमकर तीखा हमला बोला। केशव मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस का उपनाम रखते हुए कहा कि ये सारी पार्टियां आईसीयू में हैं, इसलिए इनको अपना वोट देकर इन्हें ऑक्सीजन मत दीजिए। स्वाति मालीवाल मामले पर संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी ऐसे लोगों का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल पर बदसलूकी के आरोप मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल मिलने पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की, अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया है। मुस्लिमों को घुसपैठिया कहने वाले अब कह रहे नहीं किया हिंदू मुस्लिम ओबीसी का पीएम मोदी पर पलटवार। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदवारों के बयानों के वार भी और तल्ख होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। MP में मतदान की समाप्ति पर कमलनाथ बोले जनता ने आशीर्वाद दिया है। बीजेपी ने कहा 4 जून का इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के मतदान के साथ निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसके बाद भी राजनीतिक बयानों की झड़ी लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। जनता यह भी जानती है कि चुनाव के समय कौन गारंटी देता है। कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अचानक कंगना रनौत का नाम आने से प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर किया बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता निराश हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा, हम हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर काफी अच्छी स्थिति में हैं। बाढ़ के समय हमारी सरकार ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जिनके घर चले, जिनकी जमीन चली गई, उनकी व्यक्तिगत तौर पर मदद की गई। मंडी से अचानक कंगना का नाम सामने आने से भाजपा के काफी लोग निराश हैं।
हिमाचल में कांग्रेस का साथ देगी सीपीआईएम, आप कहा इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले शिमला में इंडिया ब्लॉक के नेता एक मंच पर जुटे। राजनीति में सब संभव के नारे को यथार्थ करते हुए शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हिमाचल आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता राकेश सिंघा एक मंच पर जुटे। प्रेस वार्ता के जरिए इंडिया ब्लॉक की एकता का संदेश देने की कोशिश की।